हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करने वाला हूँ सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सहारा इंडिया में फॉर्म फिलअप किए थे, अपना जो ऑनलाइन अप्लाई किए थे, और आपका फॉर्म अभी तक प्रोसीड नहीं हुआ और आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो कैसे, तो दोस्तों आपको क्या करना है आपका पैसा रिफंड लेने के लिए? तो दोस्तों, आपका पैसा कब तक आएगा और आपका फॉर्म कब तक प्रोसीड होगा, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर ना बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे अपना जो जमा करता पंजीकरण, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करके अपना जो ऑनलाइन अप्लाई किए थे उसका आपको स्थिति देखना है कि मेरा स्थिति यानी कि प्रोसीड हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर प्रोसीड नहीं हुआ है तो आखिर वहाँ पे क्या लिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में चलिए आपको हम दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या लिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप जो भी ऑनलाइन अप्लाई किए थे उसका हम यहाँ पे स्थिति देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर फिलअप करना। चलिए यहाँ पर आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट हम फिलअप करते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नीचे मोबाइल नंबर फिलअप करके OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर लेंगे। चलिए फटाफट हम लॉगिन करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार नंबर और मोबाइल में फिलअप करने के बाद यहाँ पे OTP प्राप्त करे का, यहाँ पे OTP दर्ज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों, थोड़ा देर वेट कर लेंगे, मेरे नंबर पर OTP आ जाएगा। यहाँ पे OTP फिलअप करके OTP सत्यापित करने पर क्लिक कर लेंगे। चलिए यहाँ पर वेट कर लेते हैं, OTP मेरे नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मेरे नंबर पर OTP आ चुका है। चलिए यहाँ पर OTP को फिलअप करके करते हैं, उसका लॉगिन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर OTP को हम फिलअप कर लेते हैं। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे OTP सत्यापित करने पर क्लिक कर लेंगे। OTP सत्यापित करने पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मेरा स्थिति कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका दावा दिनांक यहाँ पे दिख जाएगा, उसका नीचे देखिएगा तो आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे देखिएगा तो आपको मिलेगा आपका दावा आवेदन संख्या यहाँ पे दिख जाएगा। उसका यहाँ पे आपको सदस्य संख्या देखिएगा, खाता संख्या दिख जाएगा। उसका नीचे देखिएगा तो आपको रसीद संख्या दिख जाएगा, आपका प्रमाण पत्र संख्या दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख जमा करने की तिथि यहाँ पे दिख जाएगा, 7/3/2009। उसके बाद आपका जमा राशि कितना इतना शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको स्थिति में दिखाएगा डिफरेंसी कम्युनिकेटेड। तो दोस्तों, इसका मतलब कि आपका फॉर्म जो कि रिजेक्ट हो चुका है, आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि रीअप्लाई करना है या नहीं करना है। सबसे पहले आपको डिफरेंसी कम्युनिकेटेड आपके सामने दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आखिर मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया, किस कारण से मेरा फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, यही कारण यहाँ पर आपको एक फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। चलिए इसको हम डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का PDF खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस PDF में आपको पूरा डिटेल में बताएगा आपका फॉर्म में कौन सा कमी है जिसके कारण आपका फॉर्म को रिजेक्ट यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो भी होगा सहारा इंडिया का निवेशक उसका यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको उसका सदस्य संख्या शो होगा, उसका आवेदन संख्या शो हो जाएगा, उसका रसीद संख्या शो होगा, उसका कितना जमा किए शो हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखिएगा आप किस कारण से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में साफ साफ लिखा हुआ, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेना है। उसका चलिए यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि सहारा इंडिया फिर से ऑनलाइन अप्लाई रीअप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सहारा इंडिया तरफ से एक नया पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल पर आपको सिर्फ रीअप्लाई करने का यहाँ पर मौका दिया गया है। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई किए जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो लोग ये नया पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई दोबारा से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो जो नया पोर्टल लॉन्च है उसको अभी इस पोर्टल पर लाइव अब नहीं किया गया है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिन वेट करना, अभी ऑनलाइन अप्लाई रीअप्लाई दोबारा से अभी नहीं करना है। जब तक यहाँ पे जो नया पोर्टल लॉन्च हो उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता, तब तक आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते तो आपको जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके आप यहाँ से फिर से आप रीअप्लाई देख सकते कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है मोबाइल नंबर को फिलअप कर OTP प्राप्त करने पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, तो आपको फिर से यहाँ पर रीअप्लाई करने का ऑप्शन आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरीके से फिर से करते हैं तो आपका फॉर्म को फिर से वही प्रॉब्लम होगा, अंतर प्रोसेसिंग रहेगा, उसके बाद आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर। दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी फायदा नहीं है, तो आपको अभी ऑनलाइन अप्लाई रीअप्लाई नहीं करना है। थोड़ा दिन आपको एक दो दिन वेट कर लेना है। यहाँ पर नया पोर्टल को लॉन्च किया गया, लेकिन ये CRCS के पोर्टल पर अभी तक यहाँ पर लाइव नहीं किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अभी तक लिंक यहाँ पर लाइव नहीं किया गया है। उसके दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर नया पोर्टल जो जिस तरह से सहारा इंडिया का शुरू में पोर्टल लॉन्च हुआ था उसी तरह से अभी तक है पोर्टल, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसमें देख सकते कोई भी यहाँ पर देख सकते वेबसाइट है, जो वेबसाइट जो पहले वाला पोर्टल उसी का वेबसाइट है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको वेबसाइट दिख रहा है इसी तरह से जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ इस पोर्टल पर आपको फिर से इसी तरह यहाँ पर मिक्स इसको किया जाएगा। आपको थोड़ा दिन वेट कर लेना, जब नया पोर्टल आ जाएगा इस वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना, उसके बाद दोस्तों आपको 30 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप छोड़ दीजिए, कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको चेक करते रहना है, CRCS के पोर्टल पर आकर के आपको चेक करते रहना है। यहाँ पर नया पोर्टल को जब भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा, लाइव किया जाएगा, उस समय जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है।
उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा कैसे नया पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसको चुपचाप छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।